हेलो पिला माने, मध्यप्र इतिहास और राजनीति विज्ञान श्रेणी को तुम मानक स्वागत। पिला माने, आमे गुरु दिवस शिशु दिवस परि मानव अधिकार दिवस मध्य पालन करछु। तेबे जानिछो एहा केउ दिन पालन करा जाउछि? हाँ ठीक कहिलो, एहा प्रतिवर्ष डिसेंबर 10 तारीख दिन पालन करा जाउछि। ताहेले पिला माने, ए मानव अधिकार अर्थ कोन जानिछो? सुनो, मानव अधिकार प्रकृत अर्थ होछि समाजर गोटे मनीष निजर अधिकार को सब्यस्त कर स्वाधीनतार सह बंची रहा। समाज में खाईपी स्वच्छंद और स्वाधीन भाव में बंची रही प्रत्येक मनीषर हक एवं अधिकार रही। किंतु समयानुक्रमे यही अधिकार गुड़िक क्षुण्ण होगा लगी। मनीष मनीष को देखी घृणा कला। गोटे जातिर लोक अन्य जातिर लोक को देखी घृणा कले। छुआ अछुआ भेदभाव देखाईला। यही सबको दृष्टि रखी मनीष मनीष मध्य सद्भाव प्रतिष्ठापी मनीषर स्वाभिमान को रक्षा करने सहित प्रत्येक मनीषर अधिकार संपर्क जनसचेतनता सृष्टि करार महान लक्ष्य नहीं मानव अधिकार सृष्टि। तेरे आस पाने आज विषय मानव अधिकार संपर्क संक्षेप आलोचना करवा। ए फोटो चित्र रे कौन देखुछ पिला माने? ए होची संयुक्त राष्ट्र संघर फोटो चित्र आउ एहा होची तार संकेत। द्वितीय विश्व युद्धर समाप्ति परे संयुक्त राष्ट्र संघ प्रतिष्ठा करा जायथिला। आउ एथिरे जेउ सनंद तयारी हैला सेथिरे मानव अधिकार को विश्व स्तर रे मौलिक अधिकार रूपे गुरुत्व आरोप करने को उल्लेख करा गला। मसिया डिसेंबर 10 तारीख रे संयुक्त राष्ट्र संघ साधारण अधिवेशन रे सार्वजनीन मानव अधिकार घोषणा नामा ग्रहण करा जायथिले। देख पार छ पिला माने, एहिपरी अधिवेशन गुड़िक बसी थाए। ए होची संयुक्त राष्ट्र संघर अधिवेशन। आउ एही अधिवेशन रे 1948 मसीहा डिसेंबर 10 तारीख रे सार्वजनीन मानव अधिकार घोषणा नामक ग्रहण करा जायथिला। आउ एही घोषणा नामर गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप कौन थिला? एहार गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप थिला विश्वरे मानव अधिकार सुरक्षा और एहार विकास। एही घोषणा नामा हेतु प्रथम थर पै प्रत्येक व्यक्तिर केतक निर्दिष्ट मानव अधिकार को स्वीकृति पाईपारा। ताहले कौन से सब अधिकार गुड़िक? गोटे होची बाक स्वाधीनता, माने निज मतामत देवार स्वाधीनता, निजे किछि कहिबार स्वाधीनता, मुक्तरे विश्वास करिबार स्वाधीनता, ता सहित भय आउ दारिद्र दूरीकरण परे किछि अधिकार मानव को दिया गला। तापरे पिला माने दीर्घ 18 वर्ष पर 1966 संयुक्त राष्ट्र संघर साधारण सभा मानव अधिकार को आईनगत मर्यादा देला। एही मानव अधिकार को मुख्यतः दुई भाग रे विभक्त करा जाय छी। गोटे होची नागरिक बा राजनैतिक अधिकार, आउ गोटे होची अर्थनैतिक सामाजिक ओ सांस्कृतिक अधिकार। नागरिक राजनैतिक अधिकार कौन जाउची? भोट देवा अधिकार, निज प्रतिनिधि को बाछवा अधिकार, देशर नागरिकत्व पाइबा अधिकार, एपरी किछि एही अधिकार रे जाउछि। आ अर्थनैतिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार कौन जाउछि? जे समाज रे स्वाधीन भाव रे बंची रहिबा अधिकार, उत्तम खाद्य खाइबा अधिकार, सुस्थ परिवेश रे रहिबा अधिकार, आउ निज कार्य पै वेतन पाइबा अधिकार, एपरी किछि अधिकार एथिरे अंतर्भुक्त। आउ एहार 10 वर्ष परे अर्थात 1976 संयुक्त राष्ट्र संघर सदस्य राष्ट्रगुड़िकर अनुमोदन प्रदान कर सारे यह कार्यकारी होता। ताहले केबे कार्यकारी होता? 1976 कार्यकारी होता। पिला माने, ए फोटो चित्र कौन देखी पार्छ? ए होची भियना घोषणा नामर फोटो चित्र। आउ एहा हेतिला केबे 1993 मसिया रे
1993 ଏହି ଘୋଷଣାନାମା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏହି ଘୋଷଣାନାମାରେ କ'ଣ ସବୁ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା? ଏହି ଘୋଷଣାନାମାରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ଆଉ ମାନବ ଅଧିକାର ପରସ୍ପର ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା। ତା ସହିତ କିଛି ମାନବ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପିଲାମାନେ ମାନବ ଅଧିକାରର ଐତିହାସିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି। ଏ ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ଏ ହେଉଛି ମାଗ୍ନା କାର୍ଟା। ଏ ମାଗ୍ନା କାର୍ଟା ହେଉଛି ଇଂଲଣ୍ଡର ଘୋଷଣାନାମା। ଏ ହେଉଛି ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବର ଘୋଷଣାନାମା ହେଉଛି ଫ୍ରାନ୍ସର, ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ଆମେରିକାର ଘୋଷଣାନାମା। ଆଉ ମାନବ ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ତିନୋଟିରେ, ମାନେ ମାଗ୍ନା କାର୍ଟା, ଆମେରିକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଘୋଷଣାନାମା ଏବଂ ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବର ଘୋଷଣାନାମାରେ ସୂଚିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ନକାରାତ୍ମକ ଅଧିକାର, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ମାନବ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ମାନବ ଅଧିକାରକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଲାଗୁ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସମସ୍ତେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିଲେ। ତା ସହିତ ଅର୍ଥନୈତିକ, ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଠିକ୍ ବୋଲି ସେମାନେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିଲେ। ସାର୍ବଜନୀନ ମାନବ ଅଧିକାର ଘୋଷଣାନାମା ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। କ'ଣ? ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନାଗରିକ ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର ସହ ଅର୍ଥନୈତିକ, ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ଦେବା। ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରୁଛ, ଏଇଟା କାହାର ସଙ୍କେତ? ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନବ ଅଧିକାର ଦିବସର ସଙ୍କେତ, ଯାହାକି ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ December 10 ପାଳନ କରୁଛେ। ତେବେ କାହିଁକି December 10 ପାଳନ କରାଯାଉଛି? ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 1948 December 10 ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ ଏହି ମାନବ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇ ଦିନ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ December 10 ଏହି ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରୁଛେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିବା ମାନବ ଅଧିକାରର ବିକାଶ କିପରି ହୋଇଛି। ଏହି ବିକାଶ ତିନୋଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମତଃ କ'ଣ? ଗଣହତ୍ୟା ନିଷେଧ। ଗଣହତ୍ୟା ନିଷେଧ ମାନେ କ'ଣ? ପିଲାମାନେ, କୌଣସି ଲୋକ ଯେକୌଣସି କାରଣରୁ ହେଉ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ହତ୍ୟା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ମହିଳା, ଶିଶୁ ଓ ସମାଜରେ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହା ହେଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେଲା ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା, ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ, ଏବଂ ଗଣହତ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନିୟୋଜିତ କରାଯାଉଛି ସେଇ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରକୁ ହ୍ରାସ କରିବା। ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ମାନବ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ନୂଆ ନୂଆ ଆଇନ ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତୃତୀୟରେ ମାନବ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ କେତୋଟି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କରାଗଲା। କି ଅନୁଷ୍ଠାନ? ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ୍ନେଷ୍ଟି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଲାମାନେ ଏ ଫଟୋ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଆମ୍ନେଷ୍ଟି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ ୱାଚ୍। ଏହି ସଂସ୍ଥା ମାନବ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିବା ମାନବ ଅଧିକାର ପ୍ରକାର ଭେଦ। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନି ପ୍ରକାରର। କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପିଢ଼ି ଅଧିକାର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପିଢ଼ି ଅଧିକାର, ଏବଂ ତୃତୀୟ ପିଢ଼ି ଅଧିକାର। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ପ୍ରଥମ ପିଢ଼ି ଅଧିକାର। ଆଦ୍ୟ ଭାଗରେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯେପରି ସାମାଜିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର
मिलिब सेथिपे उद्यम करागला आउ मनीष किपरि समाज रे स्वतंत्रता सह बास करिबो आउ सरकार जेपर एथिरे हस्तक्षेप न करिबे ता प्रति मध्य दृष्टि दिया जायथिला। तापर आसिले द्वितीय पीढ़ी अधिकार एथिरे कोन दिया गला परवर्ती समय रे जणा पड़िला जे अर्थनैतिक सामाजिक ओ सांस्कृतिक अधिकार मिलिबा अर्थनैतिक सामाजिक ओ सांस्कृतिक अधिकार न मिलिबा पर्यंत सामाजिक ओ राजनैतिक अधिकार मिलिबा अर्थहीन। जदि एई गुड़िक गोटे मनुष्य को मिलिनि माने ताकु नागरिक किंबा राजनैतिक अधिकार देबा मूल्यहीन। सेथिपाई एही अधिकार गुड़िक प्रति सरकार सकारात्मक दृष्टि देबापाई आवश्यकता को उपलब्ध करथिले एवं ता प्रति कार्यकारी करथिले। तापर आसिले पिला माने तृतीय पीढ़ी अधिकार। ए तृतीय पीढ़ी अधिकार कौन विंश शताब्दीर शेष भागरे केबे विंश शताब्दीर शेष भागरे मानव अधिकार कार्य परिसर को आहुरी बढ़े दिया गला माने पूर्वर जहाँ मिलिथिला तार आउ किछि अधिक सेथिरे जोड़ी दिया जायथिला। सेथिरे नुआ नुआ अधिकार सब एथिरे अंतर्भुक्त कराइथिला कौन से गुड़िक से गुड़िक हला आत्मनिर्णय अधिकार माने निजे निजे कौन सी समस्या जहाँ हो ताकु निजे निष्पत्ति नेबा। ता सहित जो अनग्रसर दुर्बल श्रेणीर लोक मैंने अच्छा पछुआ लोक मैंने से मानाई कि स्वतंत्र सुरक्षा अधिकार दिगला। ता सहित देशर जो संपत्ति अच्छी देशर संपद उपरे लोक मानकर सार्वभौम अधिकार अच्छी। देशर संपद कहार व्यक्तिगत संपद नुह यही संपद उपरे समस्त समान अधिकार रही। एबे आमे जानिबा पिला माने मानव अधिकार मुख्य लक्षण गुड़िक कौन कौन तार मध्य तीनोटी मुख्य लक्षण रही छविरे देखिपारच। ए होची कार फोटो चित्र यार प्रथम लक्षण रो फोटो चित्र जहाँकि सार्वजनीन प्रथम कौन आसार मुख्य लक्षण होची सार्वजनीन। मानव अधिकार सबुठारे होची एका भली देश हो किंबा समाज हो वा संप्रदाय हो वा संस्कृति हो सर्व निर्विशेष सार्वजनीन सबुठारे एही अधिकार गुड़िक सम परिमाण रे मूल्यवान। द्वितीय आसछि पिला माने केन्द्रबिंदु रे व्यक्ति कौन मनीष होउछि मानव अधिकार रो केन्द्रबिंदु। किए मानव अधिकार रो केन्द्रबिंदु मनीष होउछि मानव अधिकार रो केन्द्रबिंदु। मनीष जो राष्ट्रर हो किंबा जो भाषाभाषी अंचल हो अधिकार समस्ते समपरिमाण उपभोग करिपारिबे। तृतीय आसछि पिला माने गणतंत्र ओ विकास। गणतंत्र बिना मानव अधिकार को कल्पना करा जाय पारिबो नाही आउ ए गणतंत्र विकास मध्य परस्पर परिपूरक। ते पिला माने आज जहाँ सब आम आलोचना कले तार किछि प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा कहिला केबे सार्वजनीन मानव अधिकार घोषणा नामा को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा ग्रहण करा जाय थिला। हाँ ठीक कहिला 1948 मसीहा डिसेंबर 10 तारीख रे अच्छा द्वितीय प्रश्नर उत्तर देल भियना घोषणानामा केबे कार्यकारी होइतिला। ठीक भियना घोषणानामा केबे होइतिला 1993 मसिया रे। अच्छा कहिलो केउ दिन मानव अधिकार दिवस को आमे पालन करूछे। ठीक डिसेंबर 10 तारीख रे आमे मानव अधिकार दिवस को पालन करूछे। अच्छा कहिलो मानव अधिकार सुरक्षा दिगरे सक्रिय थिबा दुईटी बेसरकारी संस्थार नाम कहिलो कहिलो पिला माने आमे पढ़थिले। ठीक से दुईटी संस्था होची
एमनेस्टी इंटरनेशनल। आ गोटे हूँ ह्यूमन राइट्स वाच। जानिपारे पिला मैंने एवं शून्य स्थान पूरण कल। गणतंत्र अर्थनैतिक विकास ओ देश परस्पर संलग्न ठीक मानव मानवाधिकार। अच्छा एटा कहल मानव अधिकार देश समाज संप्रदाय और संस्कृति निर्विशेष रे देश हूँ सार्वजनीन। तृतीय प्रश्न उत्तर देले पिला माने मानव अधिकार केन्द्रबिंदु कहले देश को बुझाए। बहुत बढ़िया मानव अधिकार केन्द्रबिंदु कहले मनीष को बुझाए। आ गणतंत्र विकास परस्पर डैश ठीक गणतंत्र विकास परस्पर परिपूरक। तो पिला माने आज हमें कौन सीखिले आज हमें सीखिले मानव अधिकार को संयुक्त राष्ट्र संघर अनुमोदन किपर से अनुमोदन करथिला ता सहित मानव अधिकार ऐतिहासिक भित्तिभूमि कौन थिला तार विकास किपर होता आउ मानव अधिकार केते प्रकार तार प्रकार भेद जानिले एवं शेषर आम तार मुख्य लक्षण गुड़ी पढ़ी। ताहले पिला मैंने आज पाठ्यक्रम एठी रखिबा। धन्यवाद।